खबर मिर्जापुर से है। ट्विटर के माध्यम से पता चला कि गोपाल खंडेवाल ग्राम पत्ती का पूरा कछवा के रहने वाले, जो कमर के नीचे से बिल्कुल विकलांग हैं और बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। गोपाल ने ट्विटर पर जिला अधिकारी से मांग किया था कि उन्हें उनकी तरफ से 5,000 रुपये महीना अगर मदद मिल जाए तो उससे उनकी दवा व जीविकोपार्जन में मदद मिल सकेगा। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार ने मामले को संज्ञान में लेकर गोपाल खंडेवाल से बात किया व जानकारी प्राप्त करने के बाद रोटरी क्लब से वार्तालाप कर गोपाल को 6,000 रुपये महीना देने के लिए ऑर्डर कर दिया, जो उन्हें 2 वर्षों तक प्रत्येक माह के 7 तारीख को मिलेगी, जिसकी पहली किस्त आज 19 फरवरी 2021 को मिल गई। जिलाधिकारी के इस कार्य से जहां पैसा पाकर गोपाल जी उनकी प्रशंसा करते फिर रहे हैं, वहीं जिले में भी नेक दिल जिलाधिकारी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही। जिलाधिकारी ने बताया कि परसों रात में मैं ट्विटर देख रहा था तो मुझे मालूम चला कि ये गोपाल जी हैं और ये बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं व इन्हें मदद की ज़रूरत है, तो इसका नंबर ट्विटर से निकाला कि मैंने इनसे बात किया व रोटरी क्लब के माध्यम से 6,000 रुपये की हर माह मदद करने के लिए फैसला किया, जो हर माह की 7 तारीख को लगातार 2 साल तक मिलता रहेगा। इसके अलावा जो भी मदद हो सकेगा हम इनकी करते रहेंगे। जिलाधिकारी ने इस कार्य से जिले का नाम ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, जिसे जिले में लोग प्रशंसा करने से नहीं थक रहे। मिर्जापुर से सत्येंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज आपने मदद की है इनकी, क्या आपने मदद किया है इनको, संज्ञान कहाँ से लिया आपने? मैं परसों रात को जब ट्विटर देख रहा था तब मुझे पता चला कि ये गोपाल जी है और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं और ये जो शरीर के नीचे का पार्ट है उस ये इनका काम नहीं करता है, और उसी पे इनके प्रोफाइल पे नंबर थे तो उस पे मैंने कॉल किया और इनसे मैंने बात करी तो इन्होंने मुझे बताया कि दवा वगैरह और इनके खाने पीने के लिए कि अगर 5,000 रुपये पर मंथ में दे सकूं तो इनकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो मैंने रोटरी क्लब के सहयोग से इनको 6,000 रुपये पर मंथ की मदद दिलवाई है और ये 2 साल तक लगातार जारी रहेगी। इनके खाते में हर 7 तारीख को वो पैसे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा और भी जो इनकी मदद होगी हम अपने स्तर से यथासंभव पूरी मदद करेंगे। सर ये कह रहे हैं कि आवास नहीं, इसके बारे में भी जो सरकारी सुविधा, मैं आपसे पहले ही कह चुका है कि जो भी हमारे विकास विभाग से मदद होगी वो सब मदद हम इनकी करेंगे। थैंक यू सर। ये बताएं कि ट्विटर पे ट्वीट किसने किया था, ये जो आपको मदद? ट्वीट मैंने किया था, मैं प्रतिदिन ट्वीट करता हूँ बच्चों को पढ़ाने के बाद, शाम को जो मेरा काम रहता है उसको मैं ट्वीट कर देता हूँ। तो मैंने हेल्प के लिए अपील की क्योंकि मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं, मुझे दवाइयों खर्चा हमेशा पड़ता है 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कॉमन में दवाइयों में। तो ये DM को आपने टैग किया था? जी, तो DM को CM को सबको टैग किया था मैंने। तो इससे पहले भी आप करते रहे? हाँ, बहुत साल से कर रहा हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। ये पहले DM थे जिन्होंने मेरे टैग को देखा और संपर्क करके फ़ोन किया उन्होंने कल मुझे, और आज आके मेरी मदद करके वो गए, जिसके लिए मैं DM साहब का सदैव आभारी रहूँगा।